नमस्कार साथियों, टंग डायग्नोसिस के जिसमें हम बात कर रहे हैं टंग बॉडी कलर की, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा है रेड कलर ऑफ द टंग, उसके पार्ट टू में आपका स्वागत है। ये टंग डायग्नोसिस का एपिसोड नंबर 7 है। अब हम बात कर रहे हैं रेड कलर ऑफ द टंग की। जैसे कि रेड एंड स्कारलेट, स्कारलेट बोलते हैं ब्रिलियंट रेड कलर शेड अगर किसी की है तो उस पर हम क्या करेंगे। ए रेड टंग विद ए स्कारलेट शेड ब्राइट एंड टेंडिंग टूवर्ड्स पिंक इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ यिन, यानी कि बहुत रेड कलर है और वो जो है टर्न हो रही है पिंक कलर की तरफ, एक शेड बना रही है, तो वो हमारा डेफिशिएंसी ऑफ यिन को इंडिकेट करती है। जैसे कि ए रेड टंग विद ए स्कारलेट टिप ऑफ टंग इंडिकेट हार्ट यिन डेफिशिएंसी। ये टंग थोड़ा सा जो मैंने ली है यहाँ पे टंग, वो हार्ट यिन डेफिशिएंसी की टंग तो है। जैसे आगे से ये थोड़ी सी देखोगे कि यहाँ से पीछे की तरफ जो है स्कारलेट मतलब थोड़ा डल शेड होता जा रहा है, आगे थोड़ा डार्क शेड है, तो ये हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा हार्ट यिन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। हार्ट यिन डेफिशिएंसी क्यों होता है? हार्ट यिन डेफिशिएंसी इज ऑफन कॉज बाई डीप इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से, दैट इज कंटिन्यूस वरी या एंजाइटी और ग्रीफ, स्पेशली फ्रॉम डिफिकल्ट रिलेशनशिप में, यानी कि हार्ट यिन डेफिशिएंसी के कारण ये हैं। और ये जो स्कारलेट जो टिप है और जो टंकी, वो हार्ट यिन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती है। क्लियर। नेक्स्ट है ए रेड टंग विद ए स्कारलेट एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग इंडिकेट लंग्स यिन डेफिशिएंसी। आप देखोगे कि ये जो है थोड़ा यहाँ तक का ये पार्ट जो है स्कारलेट है, थोड़ा है आगे भी डल हो गया है, तो ये हाफ ऑफ द टंग तक पहुंच गया है, तो यानी कि अगर हम वैसे क्रैक भी देख रहे हैं यहाँ पे जो आगे की तरफ क्रैक है, तो ये लंग्स एरिया में क्रैक आके तो हम लंग्स इन डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी मैं स्कारलेट टंग की बात कर रहा हूँ। ए रेड टंग विद ए स्कारलेट एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग इंडिकेट लंग्स इन डेफिशिएंसी। और लंग्स इन डेफिशिएंसी ज़्यादातर कॉमन होती है, जो ज़्यादा बोलते हैं उनको कॉमन होती है, जैसे कि टीचर्स, ये लंग्स इन डेफिशिएंसी की टंग है। नेक्स्ट पे आते हैं रेड पॉइंट एंड स्पॉट्स ऑन द टंग। रेड पॉइंट है या स्पॉट ऑन द टंग, इस पे हम बात करते हैं। जैसे कि रेड टंग है किसी की विद रेड पॉइंट ऑन द टिप, जैसे कि आप दोनों टंग देख रहे हैं, ये जो है टिप पे ज़्यादा रेड पॉइंट है, तो रेड पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द टंग इंडिकेट हार्ट फायर ब्लेजिंग। अगर किसी के ऐसे कोई टिप पे रेड पॉइंट्स हैं तो वो हमारा हार्ट फायर ब्लेजिंग की टंग होती है। द रेडर द कलर एंड मोर न्यूमेरियस द पॉइंट द मोर सीरियस इज द कंडीशन। जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे, जितनी ज़्यादा रेड टंग होगी, वो उतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन होगी। ये दोनों टंग जो हैं रेड पॉइंट हैं इनके ऊपर, और हार्ट फायर ब्लेजिंग की टंग है। रेड पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द टंग इंडिकेट लीवर फायर और लीवर यांग राइजिंग। अब ये जो हम देख रहे हैं कि ये आपको देखो रेड की जगह ब्राउन राइड और ब्राउन जो है स्पॉट हो गए हैं, जैसे कि ये टंग का पिक्चर भी बनाया गया है। रेड पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द टंग की हम बात करते हैं, ये क्या है, लीवर फायर को या लीवर जो है यांग राइजिंग को इंडिकेट कर रही है। जैसे ए इफ रेड पॉइंट अपियर ओनली इन द राइट साइड, अगर सिर्फ राइट साइड में है तो ये हमारा हीट इन गॉलब्लैडर बताती है, और अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये हीट इन लीवर फायर बताती है, यानी कि लीवर में हीट बताती है अगर वो लेफ्ट साइड में टंग पे है, और राइट साइड टंग पे है तो वो गॉलब्लैडर में हीट को इंडिकेट करती है। दोनों जो है ये लीवर फायर और लीवर यांग राइजिंग जो दोनों इसमें इंडिकेट हो सकते हैं, आपको देखना होता है कि अब सिम्टम के हिसाब से आपको देखना होगा। यहाँ पे एक और है रेड पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द टंग बट ओनली टुवर्ड द सेंटर एरिया ऑफ द टंग। आप जो जो ये आपके देखे रेड पॉइंट है और सेंटर की एरिया तक बढ़ते जा रहे हैं ऐसा करके है ये, जैसे ये टंग पे जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या इंडिकेट करता है, हीट इन स्टोमक एंड स्प्लीन, या स्प्लीन के अंदर हो सकते हैं या स्टोमक के अंदर हीट को इंडिकेट करते हैं। रेड पॉइंट इन दिस एरिया शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम दोज पर्टेनिंग टू लीवर फायर। ये क्या कह रहा है, लीवर फायर और जो है स्टोमक फायर दोनों जो है आपस में जो है मिल रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे जो है रेड पॉइंट ऑन दिस एरिया शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम दोज पर्टेनिंग टू द लीवर फायर। तो लीवर फायर में हमारे सिर्फ यहाँ पर जाने होंगे, और अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो है स्टोमक फायर भी हो सकता है।
रेड पॉइंट ऑन द रूट ऑफ द टंग, जो आपकी जो रूट जो है पीछे का जो एरिया होता है टंग का, वो रूट ऑफ द टंग होता है। यहाँ पे थोड़े रेड पॉइंट हैं, जबकि बहुत रेड टंग मुझे नहीं मिली है। मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है पॉइंट्स हैं, यहाँ पर रेड पॉइंट्स हैं। अगर ये ज़्यादा रेड हैं तो हम उसकी बात करते हैं, ये वाली टंग पे ज़्यादा रेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जगह रेड है तो आप बस मुझे रूट दिखाना था तो मैंने ये टंग आपको दिखाई। यानी कि रेड पॉइंट ऑन द रूट ऑफ द टंग की अगर हम बात करते हैं, रेड पॉइंट ऑन द रूट विद येल्लो कोटिंग, अगर यहाँ पर रेड पॉइंट है और साथ में कोटिंग येल्लो है, वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है हीट इन आइदर यूजरी ब्लैडर और इंटेस्टाइन। कि आपने देखा होगा कि जो पीछे का जो एरिया है वो हमारा किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होता है या वॉम्ब का एरिया होता है। अगर ये रेड पॉइंट कोटिंग के साथ हैं, जो कि येलो कोटिंग के साथ है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन बता सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमिडी हीट बता सकता है वो। अगर ये रेड पॉइंट रूट विदाउट कोटिंग है, ये मतलब रूट पे जो पॉइंट है लेकिन कोई टंग पे कोटिंग नहीं है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? किडनी यिन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट को इंडिकेट करता है। आप किसी की टंग को बहुत एक्सपेल कराते हैं और पीछे देखते हैं उसके उभरे हुए अंदर अंदर रेड पॉइंट्स हैं और टंग पे कोई कोटिंग नहीं है, तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है? किडनी यिन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट। ये जो हम जो बता रहे हैं, जैसे किडनी यिन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट, तो आप ये जा सकते हैं नेट से भी निकाल के इसका प्रोटोकॉल निकाल सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, या बुक से देख कर भी आप बात कर सकते हैं कि आप हम किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रोटोकॉल यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि 3 पॉइंट सिडेट होते हैं। 3 पॉइंट कौन से? LU10, H5 और K2, यानी किडनी का 2 नंबर, हार्ट का 5 नंबर और लंग्स का 10 नंबर। ये 3 पॉइंट सिडेट होते हैं जो कि एम्प्टी हीट को कम करते हैं। इसके साथ में किडनी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट हमें ऐड करने होते हैं, जो कि हैं K3, K6, K9, K10, SP6 और CV4। तो ये पॉइंट हमें ऐड करेंगे तो ये हमारा पूरा किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट का प्रोटोकॉल हो जाता है। तो ये जो है टंग पे नहीं इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इस एरिया में रेड पॉइंट है और कोई कोटिंग नहीं है तो किडनी इन डेफिशिएंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट, अगर रेड पॉइंट है और कोटिंग है तो हमें वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में हीट हो सकती है या इंटेस्टाइन में हीट हो सकती है, वो हमें ट्रीटमेंट करना होगा। नेक्स्ट है रेड टंग विद रेड स्पॉट। रेड टंग विद रेड स्पॉट, अभी हम पॉइंट की बात कर रहे थे, अब स्पॉट की बात करते हैं। यानी कि स्पॉट आर लार्जर देन द पॉइंट एंड इट इंडिकेट हीट विद ब्लड स्टेसिस। जो स्पॉट होते हैं वो थोड़े पॉइंट से बड़े होते हैं और वो हीट को और ब्लड स्टेसिस को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि डार्क रेड और ब्लैक स्पॉट इंडिकेट ए ग्रेटर डिग्री ऑफ हीट देन इन केस ऑफ रेड स्पॉट। लाल रंग के स्पॉट से अगर वो ब्लैक कलर के या डार्क रेड कलर के स्पॉट है, तो वो ग्रेटर जो है डिग्री ऑफ हीट को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि ब्लैक स्पॉट या डार्क रेड स्पॉट जो है वो आपकी ज़्यादा हीट को बता रहा है। पर्पल स्पॉट जो है वो क्या कहते हैं? पर्पल स्पॉट इंडिकेट ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ब्लड स्टेसिस देन इन केस ऑफ रेड स्पॉट। अगर पर्पल रंग के स्पॉट है तो वो ब्लड स्टेसिस को इंडिकेट करता है लाल स्पॉट की जगह पे, अगर वो है पर्पल स्पॉट है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। रेड स्पॉट ऑन द टिप, रेड स्पॉट है जो कि मैं ब्लैक में कन्वर्ट है, ये रेड स्पॉट ऑन द टिप ऑफ द टंग इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ हीट एंड ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट। ये जो टिप पे आपको जो है रेड स्पॉट आ रहा है या ब्लड ब्लैक स्पॉट आ रहा है, ये आपको ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट को इंडिकेट करता है। जैसे कि रेड स्पॉट ऑन द साइड ऑफ द टंग इंडिकेट हीट एंड ब्लड स्टेसिस इन द लीवर। अगर ये साइड में आपको जो है ब्लैक स्पॉट या रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपको क्या बताता है कि ये हीट है और या ब्लड स्टेसिस है लीवर के अंदर, ये आपको इंडिकेट करता है। जैसे रेड स्पॉट ऑन द रूट ऑफ द टंग, अगर पीछे की तरफ रूट पे अगर ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है या रेड स्पॉट है, रेड स्पॉट ऑन द रूट ऑफ द टंग इंडिकेट द ब्लड स्टेसिस इन यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन और वॉम्ब। यहाँ पर कहीं पे भी ब्लड स्टेसिस हुआ है, यानी कि अगर रूट ऑफ द टंग पे कोई ब्लड स्टेसिस हुआ है तो वहां पर ब्लैक कलर या रेड कलर आ जाएगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं रेड पॉइंट इन एक्सटर्नल डिसीज। अब जैसे किसी की एक्सटर्नल डिसीज होती है, जैसे कि हम विंड हीट अटैक, विंड कोल्ड अटैक की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? ए थिन वाइट वेट कोट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग मे इंडिकेट दैट द एक्सटर्नल विंड कोल्ड इज अटैकिंग द अपर वार्मर। हमने पहले भी बात करी थी फर्स्ट डे कि अगर आगे की तरफ टंग का जो फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट 1/3 पार्ट है, उस पर हल्का सा कोट है, वाइट कोट है, वेट है ना, और वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि हमारे अपर वार्मर में
विंड कोल्ड का अटैक हुआ है, तो यानी कि विंड कोल्ड अटैक ऑन लंग्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर होता है। तो आगे की जो टिप है थोड़ी सी जो है थोड़ा सा उस पर वाइटिंग कोट होता है। दूसरा, इफ द पेशेंट हैज ए ब्लड डेफिशिएंसी, अगर किसी पेशेंट को ब्लड की डेफिशिएंसी है और ए यांग डेफिशिएंसी या किसी को यांग की डेफिशिएंसी है, ही विल हैव पेल टंग, तो उसकी टंग जो है पेल हो जाएगी। हमने पहले इंडिकेट किया था कि पेल टंग के बारे में, जब हमने बताया था कि जब किसी को ब्लड डेफिशिएंसी या यांग डेफिशिएंसी होती है तो उसकी पेल टंग हो जाती है। इफ सच पर्सन इज अटैकिंग बाई एक्सटर्नल पैथोजेनिक हीट, अगर ऐसे पर्सन को कोई अटैक हो जाता है पैथोजेनिक हीट का, देयर विल बी रेड पॉइंट ऑन द पेल टंग, तो उसमें क्या होगा, पेल टंग के ऊपर थोड़े थोड़े रेड पॉइंट्स वहाँ पर आ जाएंगे, तो ये पैथोजेनिक हीट के पॉइंट आ गए। इफ दिस एक्सटर्नल पैथोजेनिक हीट इज नॉट एक्सपेल्ड, द टंग कलर विल बी चेंज्ड फ्रॉम पेल टू रेड, अगर ये जो हीट है ये नहीं निकलती है, यानी कि ये पैथोजेनिक फैक्टर जो है या एक्सटर्नल पैथोजेनिक जो है हीट जो है नहीं निकलती है बॉडी में से, तो उसका टंग का कलर जो है वो जो है पेल से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हम जैसे टंग को बहुत दिनों से देख रहे हैं तो हमें तब पता लगेगा कि ये अभी रेड में कन्वर्ट हुआ है। रेड पॉइंट ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, फ्रंट पार्ट की हम बात करते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है, अटैक ऑफ एक्सटर्नल पैथोजेनिक हीट इन फर्स्ट स्टेज अफेक्टिंग ओनली इन द अपर वार्मर, अगर आपको रेड पॉइंट्स हैं फ्रंट पार्ट पे हैं टंग के, तो आपको क्या पता लगेगा कि अपर वार्मर में हमारा जो फर्स्ट स्टेज का जो है पैथोजेनिक अटैक हुआ है। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो एक एक पॉइंट से एक एक टंग है यहाँ पर, तो आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, इसीलिए मैं छोटे वीडियो ले रहा हूँ जिससे कि आपका ये परसेप्शन पूरा जो भी आपका जो है ये आपका क्लियर हो जाए। रेड पॉइंट एक्सटेंडिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द टंग इंडिकेट दैट द एक्सटर्नल अटैक ऑफ द हीट हैज एंटर्ड इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हमने बताया था कि बाहर से अंदर की तरफ अगर कोई रेड पॉइंट्स आ रहे हैं, जो मैंने ये टंग आपको दिखाई थी, अगर आप बात करें ये वाली जो टंग मैंने आपको दिखाई थी, ये जो टंग है हम इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, कि अगर रेड पॉइंट एक्सटेंडिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द टंग इंडिकेट दैट द एक्सटर्नल अटैक ऑफ हीट हैज एंटर्ड इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी एट दिस स्टेज दिस इज मोर डेंजरस एंड डिफिकल्ट टू एक्सपेल, अगर बाहर से अंदर की तरफ अगर पॉइंट बढ़ रहे हैं तो ये हमारा डिफिकल्ट, ये डेंजरस स्पीड है, यानी कि बाहर का जो अटैक है वो हमारा अभी बॉडी के अंदर तक चला जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो और खराब होती जा रही है, ये हम इंडिकेट कर रहे हैं। रेड पॉइंट आइदर ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द टंग इंडिकेट दैट द एक्सटर्नल अटैक ऑफ पैथोजेनिक हीट इज हाफ इंटीरियर एंड हाफ एक्सटीरियर, जो हमने शुरू में एक टंग दिखाई थी जो आधी टंग पे हमारा कोटिंग थी, आधी टंग पे कोटिंग नहीं थी, हम उसी की बात कर रहे हैं। रेड पॉइंट आइदर ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड, या तो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है ऑफ द टंग के, इंडिकेट ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दैट द एक्सटर्नल अटैक ऑफ पैथोजेनिक हीट इज हाफ इंटीरियर एंड हाफ एक्सटीरियर, आधा तो बॉडी के अंदर चला गया है इंटीरियर में और हाफ एक्सटीरियर में है। टंग हैज वाइट स्लिपरी कोट ऑन द राइट साइड अलोन, और उसमें क्या होगा, आपको स्लिपरी कोट होगा, स्लिपरी कोट कहते हैं, हम भी जब कोटिंग पे आएंगे तो हम इसको और डिटेल करेंगे, जब हम वाइप करते हैं टंग को तो ये स्लिपरी कोट वहाँ से हट जाता है, इसको हम स्लिपरी कोट कहते हैं, और जो स्टिकी कोट होता है वो टंग क्लीनर से जो है वाइप नहीं हो पाता है। तो टंग हैज वाइट स्लिपरी कोट ऑन द राइट साइड अलोन, तो ये हम बात कर रहे हैं हाफ इंटीरियर और हाफ एक्सटीरियर की, जिसकी हमने टंग का पहले पिक्चर हम दिखा चुके हैं। राइट पॉइंट ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द टंग, अब दोनों तरफ है या एक तरफ है तब, तो ये क्या इंडिकेट करता है, आर आल्सो फ्रिक्वेंटली सीन इन द चिल्ड्रन डिसीज इन्वॉल्विंग रैशेज, जब चिल्ड्रन को रैशेज हो जाते हैं या मीजल्स हो जाता है या चिकन पॉक्स हो जाता है, उसमें कैसे होता है, रेड पॉइंट ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द टंग आर आल्सो फ्रिक्वेंटली सीन इन द चिल्ड्रन डिसीज, तो तब भी इसमें चिल्ड्रन डिसीज में भी ऐसा होता है, क्योंकि हमने आपने देखा होगा कि वो क्या होता है कि वो हम लीवर विंड कॉज बाई सॉरी लीवर विंड जनरेटिंग वेरी हाई हीट का ट्रीटमेंट यहाँ पर देते हैं, तो लीवर में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है तो ये ट्रीटमेंट हम वहाँ पर दिया जाता है, लीवर विंड जनरेटिंग वेरी हाई हीट जो चिकन पॉक्स एंड मीजल्स में दिया जाता है, तो वो उसमें रेड पॉइंट ऑन द वन साइड या बोथ साइड में वहाँ पे रेड पॉइंट हो जाते हैं टंग के ऊपर। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, पेल
रेड और वाइट पॉइंट ऑन द टंग, टंग पे पेल रेड है या वाइट पॉइंट ऑन द टंग की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, जैसे पेल रेड पॉइंट है ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, अगर टंग के सेंटर में मिडिल पार्ट ऑफ द टंग में पेल और जो है थोड़े वाइट पॉइंट्स हैं, वो क्या इंडिकेट करता है, वो हीट इन स्टोमक को इंडिकेट करता है। लेकिन उसमें एक चीज़ हो रहा है कि स्प्लीन डेफिशिएंट होता है, यानी कि वो क्या कह रहा है कि स्टोमक में हीट है लेकिन स्प्लीन डेफिशिएंट है उसको इंडिकेट करता है, यानी कि आपका जो सेंटर में है थोड़े थोड़े वाइट पॉइंट होंगे वहाँ पे सेंटर में, सेंटर ऑफ द टंग पे। वाइट पॉइंट ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द टंग इंडिकेट कोल्ड इन स्टोमक, है ना, ये जो है कोल्ड इन स्टोमक को भी इंडिकेट करता है, अगर वाइट पॉइंट है और सेंटर में है आपको, वो कोल्ड इन स्टोमक को भी इंडिकेट करता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोल्ड इन स्टोमक की बात कर रहे हैं, स्प्लीन डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, स्टोमक हीट की बात कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम अपने को जो हम हाउ टू डायग्नोस से उसको डायग्नोस करके हम लाए हैं, पैटर्न को डायग्नोस करके उससे कंपेयर कर रहे हैं। हम टंग देख के ये नहीं क्लियर कर रहे हैं कि स्टोमक हीट है, हम स्टोमक हीट का सिम्टम देख के हम वहाँ पहुँचे हैं, तो अब हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि स्टोमक हीट है या स्प्लीन डेफिशिएंसी के साथ में है स्टोमक हीट, हम इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात अगर समझ पा रहे हो, हम टंग से डायग्नोज नहीं कर रहे हैं, हम अपना डायग्नोज पैटर्न कर चुके हैं बाय सिम्टम, अब हम इसको टंग से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका स्टोमक हीट के पॉइंट सिम्टम होंगे, तो आप टंग देख के स्टोमक हीट के पॉइंट लगाएंगे, अगर स्प्लीन डेफिशिएंसी और स्टोमक हीट दोनों के पॉइंट हैं तो आप दोनों के पॉइंट लगाओगे, ये हम वहाँ से डायग्नोज करके आ चुके हैं। तो ये मुझे दोबारा से आपको रिपीट कराना था, क्योंकि कोई लोग कन्फ्यूज होने लगते हैं कि ये कैसी कैसी टंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम पहले डायग्नोज पैटर्न से करके यहाँ पर आते हैं, हम ये बात कर चुके हैं। रेड पॉइंट विद प्रिकल्स, हम ये वाइट पॉइंट ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द टंग इंडिकेट कोल्ड इन स्टोमक की हम बात कर रहे थे। रेड टंग विद प्रिकल्स, अब जो रेड टंग है, प्रिकल्स कहते हैं बहुत छोटे छोटे दाने जो टंग पे होते हैं आगे की तरफ, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे इस टंग पे अगर आप देख रहे हो आगे की तरफ बहुत छोटे छोटे दाने हैं, ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं आगे की तरफ, ये क्या है, प्रिकल्स इन द एरिया बिटवीन टिप एंड द सेंटर ऑफ द टंग इंडिकेट हीट इन लंग्स मे बी ब्रोंकाइटिस। अगर आपको टिप से लेकर सेंटर ऑफ द टंग तक जो है ये प्रिकल्स हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपको ब्रोंकाइटिस को इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रोंकाइटिस है इस पेशेंट को। प्रिकल्स इन द सेंटर ऑफ द टंग इंडिकेट हीट इन स्टोमक मे बी पेप्टिक अल्सर। अगर किसी को बहुत छोटे छोटे दाने हैं, लाल कलर के दाने जो है सेंटर ऑफ द टंग पे हैं, तो वो आपको स्टोमक में हीट को इंडिकेट कर रहा है, और ये हो सकता है कि इसको पेप्टिक अल्सर हो। पेप्टिक अल्सर मतलब गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब जो स्टोमक के अंदर जो अल्सर होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। रेड टंग विद पर्पल स्पॉट ऑन द सेंटर, किसी को रेड टंग है किसी की और उसको सेंटर में पर्पल स्पॉट है, उसकी हम क्या बात करें, कोई किसी की रेड टंग है, ए रेड टंग विद ए पर्पल स्पॉट इन द सेंटर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ हीट विद ब्लड सेसेस इन स्टोमक। जब अगर हम टंग को देखते हैं और उसके सेंटर पे हम देखें तो वहाँ पे कोई एक पर्पल स्पॉट आपको दिखाई देता है, तो उसका मतलब है कि आपके ब्लड का स्टेसिस हुआ है स्टोमक के अंदर। तो ये ब्लड स्टेसिस किसकी वजह से होता है, वो स्टोमक हीट की वजह से ही होता है। तो आप दोनों का जो ब्लड स्टेसिस इन स्टोमक का ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा अगर सेंटर में पर्पल स्पॉट है। रेड एंड पील टंग, अगर हम इसकी रेड और पील टंग की हम बात करते हैं, ये क्या है, ए रेड एंड पील टंग हैज़ नो कोटिंग एट ऑल। जो रेड टंग होती है और पील टंग होती है उसमें क्या होता है कि कोई कोटिंग नहीं होती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, स्टोमक इन डेफिशिएंसी कॉज पीलिंग ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, इन द लॉन्ग रन इट कॉज किडनी इन डेफिशिएंसी आल्सो। यानी कि जो अगर सेंटर ऑफ द टंग पे थोड़ी पील टंग है तो वो क्या किसकी वजह से होता है, वो हमारा स्टोमक इन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और जब लॉन्ग टर्म में किडनी इन डेफिशिएंसी भी उसमें हो जाती है तो सारी टंग पील्ड हो जाती है। तो ये दोनों टंग मैंने जो है किडनी इन डेफिशिएंसी और स्टोमक इन डेफिशिएंसी की टंग ली है, दोनों में ऐसा ही है। पील टंग इज ड्यू टू स्टोमक इन डेफिशिएंसी एंड रेड टंग इज ड्यू टू किडनी इन डेफिशिएंसी। हम ये बात करेंगे जो पील टंग है वो स्टोमक इन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और जो जो पूरी रेड टंग होती है वो किडनी इन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आज का हमारा चैप्टर इतना ही है जो हमने बात करी, कल को फिर हम आगे मिलते हैं, आगे की कुछ और टंग के बारे में बात करेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।